हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। वेलकम टू माय चैनल। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, चारों तरफ धूप खिली हुई है और मैं कर रही हूँ ब्रंच की तैयारी, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ रागी का पराठा और दम आलू की सब्जी। सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाएगी और फिर हम करेंगे उसे धूप में बैठ के एंजॉय। तो सबसे पहले बना लेते हैं रागी का डो। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 कप रागी का आटा। ये आटा यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, कैल्शियम रिच होता है और ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जनरली लोग जो है इस तरीके के अनाजों को प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं कि वो मोटा होता है या फिर उसे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इस तरीके से आटा गूंदेंगे तो आपकी रोटी या पराठा बहुत ईजिली बिल जाएगा और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे जो मैंने लिया है 1.5 कप आटा लिया है, तो बिल्कुल इसकी हाफ क्वांटिटी में हम लेंगे उबलता हुआ पानी। तो जैसे 1.5 कप आटा है तो 3/4 कप उबलते हुए पानी को इसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं, और 1 टीस्पून घी। ये आपकी प्रेफरेंस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा स्मूथ उससे टेक्सचर आता है। और बस इसको चम्मच से मिक्स करके अच्छे से रख देंगे जब तक ये थोड़ा सा हमारे हाथों से हैंडल होने लायक हो जाए। खाने में भी इसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ हो जाता है जब आप इस तरीके से इसको बनाते हैं। और जो लोग इस तरीके की चीजों को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहता है इसका रिजल्ट। तो हमने इसको चम्मच से मिक्स कर दिया है बिल्कुल। इसको ढक के हम रख देंगे जब तक, लगभग 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इनमें मैंने बस 1 सीटी लगाई है, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, इनफैक्ट पारबॉइल्ड जिसे बोलते हैं वो स्टेज है। हम इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। गैस ऑन कर देते हैं अपनी, और इसमें मैं डालूंगी लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल। जब तक अपना ऑयल गर्म हो रहा है, मैं अपनी ग्रीन चिलीज, मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चों को इस्तेमाल कर रही हूँ, इनको भी चॉप कर लेती हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं, बट चॉपिंग वर्क्स फाइन टू। और मुझे अदरक के ना पीसेस जब खाते हैं तो आते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक को और मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें अपने आलू के पीसेस को डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी, नमक, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसको हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें गोल्डन सी क्रस्ट ना आ जाए। जनरली लोग जब दम आलू बनाते हैं तो वो उसको डीप फ्राई करते हैं, बट आई प्रेफर दिस मेथड। शैलो फ्राई करने से इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगता है, और आजकल हम सभी चाहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए हेल्दी रेसिपीज को ही ज्यादा बनाएं। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दही का मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1/2 कप दही लिया है, गाढ़ा दही है, फुल फैट दही, और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। इसको हम फेंट लेते हैं। दही का मसाला बनाते हुए कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि जैसे ही वो ऑयल में दही को डालते हैं वो फट जाता है। अगर आप रूम टेम्परेचर लेंगे तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम इसमें ही अपने सारे मसाले जो हमें सब्जी में यूज करने हैं वो डाल देंगे, ताकि मसाले भी हमारे सेफ हो जाएं, जले नहीं। मैंने यहाँ पे लिया है, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी मैं आलू में डाल चुकी हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च, मसाले में कम ही रखती हूँ अपने खाने में, लगभग 1/4 टीस्पून धनिया, और यहाँ मैंने लिए लगभग 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इनको हम मिक्स कर देते हैं।
आलू हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, नीचे से भी गोल्डन और ऊपर से भी गोल्डन, तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सब्जी का मसाला बनाने के लिए गैस को ऑन करते हैं। मैंने कढ़ाई को क्लीन कर लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के आसपास तेल, और इसमें हम डालेंगे अपना खड़ा मसाला। तो मैंने लिए हैं 2 तेजपत्ता, 3-4 लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, इनको मिक्स कर देते हैं और इसमें डालते हैं लगभग 1/4 टीस्पून हींग। हींग का फ्लेवर किसी भी मसाले वाली डिश में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उससे सारे ही मसाले जो हैं एनहांस कर जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास सौंफ। सौंफ का इस्तेमाल दम आलू में ट्रेडिशनली किया जाता है, इसका बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। इसको मिक्स करते हैं, आँच हल्की करते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं अदरक और हरी मिर्च। हल्का सा इसको सॉटी करते हैं और अब हम डाल देंगे इसमें दही। इस चीज का ध्यान रखना है कि गैस हल्की रहे, मसाला डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहना है, तो उससे हमारा दही फटेगा नहीं। सारा मसाला डाल दिया हमने और इसको घुमा देंगे, घुमाते हुए पकाना है। हमें ये मसाला तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल ना ऊपर आ जाए। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसी टाइम पर। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से रब करके डालते हैं तो वो अच्छे से पाउडरी हो जाती है। और मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी। अगर आप चाहें तो जब हमने खड़ा मसाला डाला था आप उस वक्त ही दालचीनी की स्टिक भी डाल सकते थे। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ऑयल जो है ऊपर आ गया। तो इस स्टेज पे जो हमने अपने आलू फ्राई करके रखे हुए हैं उनको डाल देंगे और उनको इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू में हमने अपना नमक पहले ही डाल लिया है, थोड़ा सा नमक, इसलिए हम उसको ध्यान रखते थे, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। और ग्रेवी की थिकनेस जो है आप अपनी पसंद के अनुसार ज़्यादा कम रख सकते हो। ट्रेडिशनली इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है, तो मैं इसमें लगभग 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। इसको हम ढककर लगभग 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी सब्जी पक रही है हम अपने आटे को ठीक कर लेते हैं। आप देखिए ये आटा अभी देखने में कितना सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन अब हम जब इसे गूंदेंगे तो इट कम्स टुगेदर वेरी फास्ट और इजीली। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा आटा जो है हमारे को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो हम थोड़ा सा इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम नाप के बनाते हैं जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए एकदम इकट्ठा आना शुरू हो गया। 3-4 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से इकट्ठा हो गया है, एकदम सॉफ्ट और प्लायबल। इतना मैंने 1.5 कप आटा लिया था, तो इसमें 6 मीडियम साइज की रोटी या पराठा इजिली बन जाएंगे। मैं उसको डिवाइड कर लेती हूँ और उनकी बॉल्स को बना देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा रंग आया है। 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था वो भी इकट्ठा हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया फ्रेशनेस के लिए, मिक्स कर देते हैं। अब इसको मैं ढक के रखती हूँ, तब तक हम बनाते हैं अपने पराठे। तवा रख दिया मैंने, यहाँ मैं गैस ऑन कर देती हूँ। और 1 बॉल आटे की लेके यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है टेस्ट करने के लिए, सही रहता है, इससे चिपकता नहीं है। देखिए कितनी आसानी से बिल गई और किनारे पे तो क्रैक्स आए हैं हल्के से, क्योंकि भाई रागी का आटा है, थोड़ा बहुत तो क्रैक आए गई उसके ऊपर, लेकिन कोई ब्रेकेज नहीं है और बहुत इजिली से हैंडल हो रही है। तवा गर्म हो चुका है हमारा, तो इसमें हम डाल देते हैं अपना आटा। एक्स्ट्रा आटा जो हमने डस्ट करने के लिए यूज किया उसे हटा देंगे और एक तरफ से सिकने देते हैं।
पकाने के लिए मैं यहाँ पे तिल का तेल का इस्तेमाल करूंगी। सर्दियों में तिल का तेल बहुत फायदेमंद रहता है और हम सबको अपनी डेली डाइट में उसको यूज करना चाहिए। पलट देते हैं और इस पे लगा देते हैं अपना ऑयल। मैं यहाँ बहुत ज्यादा ऑयल इस वक्त नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये पराठे जो हैं बटर के साथ सर्व करने में अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके साथ बटर सर्व करूंगी। बस इतना कि ये ज्यादा सूखा सूखा सा ना रहे। इधर भी ऑयल लगा देते हैं। इसका कलर नेचुरली ही थोड़ा डार्क होता है, तो इसके जो ब्राउन स्पॉट्स हैं ज्यादा दिखाई नहीं देते, बहुत ज्यादा नहीं, हमको लगभग एक एक मिनट दोनों तरफ से सेकना है। पराठा तैयार हो गया है, निकाल लेते हैं और लगा देते हैं उस पे। कर लेते हैं टेस्ट टेस्ट। स्मेल्स रियली गुड। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, हेल्थ की हेल्थ, हेल्दी भी है और सेटिस्फाइंग भी है और टेस्टी भी है। आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की और बहुत सारी रेसिपीज और एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।